सलमान खुर्शीद रिक्शा तुम्हारे साथ में है सर। जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो गुजरात की ओर लेके जाया जा रहा है, इस तरीके का पूरा मामला उस पर क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के लोग और बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे जो सूची दिखाई गई, मैं तो हक्का बक्का रह गया देख कर के। इतने बड़े बड़े काम यहाँ होने थे, इस सूची में कम से कम 25-30 ऐसी संस्थाएँ जो बनाई जा रही थी जिनसे सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता, नौकरी मिलती। और जब कोई रोज़गार मिलता है तो वहाँ तक सीमित नहीं रहता, उससे आगे चलकर और डाउन द लाइन, अप द लाइन, उससे आगे चलकर और रोज़गार मिलते हैं। तो वो रोज़गार वहाँ यहाँ से हटकर किसी और प्रांत में चले गए, क्या ये अच्छा है? हर चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, उसकी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास रहे, मेरे लोगों का फ़ायदा हो, मैं अपने लोगों को ये व्यवस्था अपने लोगों के लिए बना सकूँ, उपलब्धि उनके लिए दे सकूँ। तो वहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार बन जाती है कि देश के प्रमुख स्थान पर भी एक नेता एक ही पार्टी का है और यहाँ भी उसी पार्टी का नेता है या उनका सहयोग है यहाँ, तो वो फैसले ये कर दें कि हम महाराष्ट्र से हटाकर और गुजरात ले जा रहे हैं, तो अन्याय होता है महाराष्ट्र के साथ, तो अन्याय होता है। महाराष्ट्र में लगातार प्रधानमंत्री मोदी दौरे कर रहे हैं, वैसे में अभी 17 तारीख को फिर से उनका मुंबई में दौरा है, इस दौरे में लगातार क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा महाराष्ट्र में? मैं क्या जानूँ, तो आप बताएंगे, महाराष्ट्र वाले लोग बताएंगे, क्या किसी के आने से जाने से फ़ायदा होता है या कोई तथ्य सामने रखे जाते हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी आकर ये कह दे कि ये 25 जो संस्थाएँ यहाँ से गुजरात ले गए हैं हम लोग, उनमें से आधी हम वापस करेंगे, अगर वो यह कहते तो उसका प्रभाव पड़ता। लेकिन अगर वो कुछ कहेंगे नहीं और यही कहेंगे कि मुझे और बताओ और किस संस्था को मैं ले जाऊं गुजरात, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन ये तो जनता का निर्णय है, जनता को जो चीज़ अच्छी लग जाएगी जनता उसको स्वीकार करेगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो में कहा था कि वो मोदी के साथ डिबेट करना चाहते हैं लेकिन वो आएंगे नहीं। मोदी कहाँ आ रहे हैं? मोदी जी ने कहाँ स्वीकार किया कि वो डिबेट कर लें? अगर मोदी जी को कॉन्फिडेंस होती कि मैंने जो किया है उसको लाखों लोग पसंद करेंगे और बहुत बड़ी जनता, बड़ी संख्या में जनता पसंद करेगी, तो वो आ जाते हैं। क्योंकि डिबेट में तो दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम आपसे बात करने आए हैं तो हम जब आते हैं तो अपनी बात यहाँ कहते हैं, वो स्पष्ट हो जाती है। अगर इसी बात को हम लिखित में भेज देते तो वो बात ना होती जो आमने सामने हमसे बात करके हमसे सवाल पूछ कर आप कर सकते। अंतिम सवाल है सर जी, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर बात चलती है कि भारत भर में अभी तक कि ज़्यादा कैंडिडेट उनको नहीं मिला है, क्या मुसलमानों को लेकर नाराजगी है कांग्रेस की? किनको नहीं मिला? महाराष्ट्र और मुंबई में मुसलमान कैंडिडेट हमने सबको देना चाहा और पूरी परिस्थिति को देखते हुए हमने माना कि ये जो हमारा अभियान है इसमें इस बात का ज़्यादा असर होगा, इस बात का कम असर होगा, इससे हमको ज़्यादा फायदा होगा, इससे कम फायदा होगा, तो वो अनुमान लगाने के बाद हमारे नेतृत्व ने तय किया है। इसमें ना कोई पक्षपात है, ना इसमें किसी विशेष वर्ग को या किसी विशेष समाज को बढ़ाने की बात है, लेकिन जिसका हिस्सा जितना होना चाहिए उतनी हमने देने की बात की है। अगर हमने वो अनुमान सही लगाया है तो हम कामयाब रहेंगे, अगर अनुमान सही नहीं है तो हम कामयाब नहीं रहेंगे। उससे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम अपना पूरा प्रयास करने के बाद परिणाम देखेंगे, तब हमको पता लगेगा कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू। ओके डन भाई सर।